नमस्कार, मैं रोहित सिंह। जैसे कि हमारी बात परसों भी हुई थी, हमने एक छोटी सी क्लिप डाली थी अपने सोशल मीडिया माध्यम से, डीसी साहब को, एलजी साहब को रिक्वेस्ट करी थी इसी मीडिया के माध्यम से। हमारे जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पावर हैं, फिलहाल तो पावर्स नहीं है, लेकिन हमारे जो सियाने जो पूछने हैं वो हमारे गए थे रामन क्या कहते हैं डोडा डीसी साहब के पास, एक्सएम साहब के पास गए। उन्होंने विश्वास दिलाया था इनको कि हम मौके पे आएंगे और देखेंगे। ठीक है, अब हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे होज बनने जा रहा है। तो हम पहले तो ये दिखाएंगे आपको कि ये है हमारा स्लाइडिंग एरिया, ये जो स्लाइडिंग एरिया है, ठीक है, इससे बिल्कुल डिस्टेंस जो है 18 मीटर, अभी जस्ट हमने मेजर किया, रख लो 16 मीटर, 16 मीटर डिस्टेंस है मेजर किया हमने, जहां पे हमारा ओल्ड जो है वाटर रिजर्वर जो है कंस्ट्रक्शन है। और डॉक्यूमेंट्रीज देखा जाए इसको तो ये डिसमेंटल में है कि यहाँ पे क्रैक्स पड़े टूटा, हालांकि ये अभी रनिंग में है। अच्छा, फिर हम आपको कैमरामैन को कहेंगे कि दूसरी साइड लगा दें, उसी के कम से कम 1 मीटर आगे काम न्यू जो रिजर्वर बन रहा है तो वहां पे काम शुरू है उसका। तो इसमें इतना बड़ा मैं बोलता हूँ घपला है या डोमिनेंसी है कि अगर ये पुराना वाला होज जो पिछले कई सालों से रनिंग में है तो इसको डिपार्टमेंट ने डिसमेंटल कर दिया है कि ये काम करने के योग्य नहीं, अभी इसमें पानी नहीं हो सकता। तो अभी सेम उसी जगह दोबारा डिपार्टमेंट कैसे परमिशन दे सकता है कि ये जगह क्रैक्स में नहीं आएगी? हम आपको बिल्कुल उसी जगह ले जाएंगे। और पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे, हर एक पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहेंगे, हम इतने तंग आए हुए हैं जनाब, परसों भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि डिपार्टमेंट हमारी सुने। अच्छा, फिर आज फिर से हम आए हैं क्योंकि ये जो है ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया। देखो जी, हमारे हाथ में तो यही है कि हम ना लड़ सकते हैं, हमारे पास इतना, हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि लड़ सकते हैं। हम तो, हमारी तो रिक्वेस्ट होगी एलजी साहब से, अगर सुन रहे हैं, अगर गरीबों की सुनते हैं तो वो कम से कम डीसी साहब को, डोडा को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम देखें हमारी हालत। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जनाब बताएं को हालत ची को या दो कुछ भी मत। जनाब हमारे ऐसे पानी आता ही नहीं है, आएगा भी जब, अब तो बेकार पानी है, अब तो आएगा पानी जब ये आगे फसलों के टाइम आते हैं, उस वक्त ये लोग हमें पानी देते ही नहीं है, बस अपने सब्जियों के बिल ही पूरा होता है, पानी खत्म हो जाता है। तो नीचे जो पानी हमारी नीचे वाली लाइन है उसमें बड़ा औज वहाँ बनना चाहिए, वहाँ से हमें फायदा भी है, उसके पर स्टॉक भी होगा, पानी आम को मिलेगा। ये तो नहीं है कि इधर से आधी इंच में हो जाएगा होद, हम नीचे मरेंगे बगैर पानी के, ये तो बहुत अन्याय की बात है। हमारे लोग डोडा में गए, एक सीन साहब ने कहा हम उसको क्या नाम वो भेजेंगे, अब बंदा भेजेंगे, वो आया नहीं, इन लोगों ने काम लगा लिया है, अब क्या हमारी हालत होगी देखेंगे सामने। अभी हम इनसे पूछना चाहेंगे, आप तो कल गए भी थे डोडा, क्या आश्वासन दिलाया था आपको एक्शन साहब ने कि क्या होगा, मौके की क्या कार्रवाई होगी? एक्शन साहब ने ये कहा था कि मैं एडब्ल्यू साहब को मौका पर भेजूंगा, वहाँ पर नक्शा ग्राउंड देखेंगे, उसके मुताबिक आगे का फैसला जो होगा उसको करेंगे। इस वक्त एक्जन साहब ने ही ठेकेदार को भेज दिया हम पे, हमारे यहाँ पे रिजर्वर बनाने के लिए। कैमरामैन से रिक्वेस्ट की जाती जरा वहाँ दिखाएं। चलो जी, हम आके आपको ये चीज दिखा देते हैं कि हमारा जो है ओल्ड रिजर्वर कहाँ पे बना था और जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है रिजर्वर की वो कहाँ पे हो रही है। देखो जी, अगर तो ये डिपार्टमेंट ने अगर इसकी परमिशन, अगर इसको डिसमेंटल में रखा है इसको ओल्ड रिजर्वर को, तो सेम वही डिपार्टमेंट यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन जीवन जल शक्ति मिशन के तहत पे क्यों दे रहा है इनको डिपार्टमेंट? हालांकि अगर इसके लिए पानी पूरा नहीं है, इस रिजर्वर के लिए पानी पूरा नहीं है, तो इस रिजर्वर में कहाँ से पानी आएगा? अच्छा, बड़ा मुद्दा तो ये है कि पानी अगर इसके लिए पूरा नहीं, हालांकि हम आपको ये भी दिखाएंगे क्लिप में कि ये रनिंग में है, इसमें अभी पानी स्टोरेज हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी यहाँ पे बना रहे हो, और सबसे अहम चीज अभी तो फिलहाल बारिशें नहीं हो रही, आगे बारिशें होंगी, स्लाइडिंग एरिया है, तो ये तो टोटल 15 मीटर जगह है। हम क्यों चाहें कि गरीब का पैसा, जो गरीब के टैक्स का पैसा है, जो वो जो रिजर्वर बन रहा है टैक्स का पैसे से बन रहा है, गरीब आवाम का पैसा 20 लाख का है, तो ये खत्म हो जाए। इसलिए हमारी अपील है, हमारी अपील है डीसी साहब से, एक्जन साहब से, कि जल्द से जल्द इस काम को रोका जाए, जब तक हमारी आगे की कार्रवाई नहीं हो जाए एडब्ल्यू साहब खुद आए, एक्जन साहब खुद आए, यहाँ पे मौके पे हालात देखें कि क्या क्या सच में
पब्लिक की ओपिनियन या मर्जी है यहाँ पे रिजर्वर बनाने की? अगर नहीं है तो उनको पब्लिक के बारे में सोचना पड़ेगा। और स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट है ये डीसी क्या बोलते हैं डोडा से, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हम बोलते हैं एलजी साहब से, अगर सुन रहे हैं, अगर आप पे हम विश्वास रखते हैं तो एलजी साहब प्लीज कम से कम इस विषय पे फोकस प्लीज, अगर आपका कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन अगर सुनता है तो इस पे फोकस करें। धन्यवाद। जैसे कि आपके जहन में पहले से भी ये चीज होगी कि हमने परसों भी इसकी क्राई की थी, पब्लिक कह रही थी कि ये जो वाटर रिजर्वर है इसका काम, इसका डिस्प्यूट चल रहा है तो इसका काम फिलहाल के लिए तो बंद रखा जाए। तो हम आप आज आए थे यहाँ पे देखने की यहाँ पे तो फिलहाल काम चल रहा है, तो आप क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि क्या परमिशन आप किसके पास, परमिशन किससे है कि आप ये काम बंद नहीं कर रहे? देखो जो हमारे टेंडर हुए हैं, हमें टेंडर पे काम लिया हुआ है, सब काम लिया हुआ है, अगर हम बंद करें तो अपनी मर्जी से हमें नहीं बंद कर सकते, क्योंकि इसका टाइम बॉन्ड हमें भी होता है। मैं तो काम बंद नहीं कर सकता तब तक जब तक ना मुझे डिपार्टमेंट बताए, जब मुझे अपना डिपार्टमेंट बताएगा तो मैं काम बंद कर सकता हूँ। अब वर्बली मैं कैसे बंद करूंगा काम? वर्बली तो मैं बंद नहीं कर सकता। ये चीज भी तो हो सकती है कि अगर पब्लिक का जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, दो पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टियों का इशू है, फिलहाल तो मैं कहूंगा कि दो पार्टीज तो है ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी है और दूसरा पब्लिक है, और आम पब्लिक वो है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और दूसरी पार्टी ये है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वो बेहतर उनको नॉलेज है, तो वो जो गरीब लोग हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हो तो ऐसा ही रहा है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि आप आके देखें जो ओल्ड रिजर्वर है, ठीक है, बिल्कुल ओल्ड रिजर्वर के मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन जो है, न्यू कंस्ट्रक्शन इधर की इधर न्यू कंस्ट्रक्शन जो ये हो रही है और ये ओल्ड जो रिजर्वर बना है, और हालांकि डिपार्टमेंट ने इसके लिए इस रिजर्वर के लिए कहा है कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, ये स्लाइडिंग एरिया में आ रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर इसके लिए परमिशन दे देते हैं तो डिपार्टमेंट ने यहाँ के लिए परमिशन कैसे दे दी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है? दूसरा उसी सेम जगह पे दूसरी चीज पानी का, इसके लिए इसमें पानी के इश्यू आ रहे हैं, पब्लिक में क्राइसिस हो रहे हैं कि पानी इसमें प्रॉपर नहीं आया, पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा, अगर इसके लिए पूरा नहीं हो रहा तो इसके लिए कहाँ से पानी आएगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वाटर का जो डिस्चार्ज है वो एक बार चेक करवा लें कि वो कितना पानी आ रहा है इस पाइप में और कितना पानी है, तो ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, रिक्वेस्ट है, ठीक है, थैंक यू।